वो क्वेश्चन डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, तो आप उसे देख लीजिए और आप उसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, 11 KB लाइन जो है भेजनी हम लोग को, और 1 किमी की दूरी पर भेजना है। तो 1 किमी में 1000 मीटर होता है, और स्पेन ऑफ लाइट लेंगे हम लोग, जो स्पेन लेंगे, बीच की दूरी लेंगे, दो पोल के बीच की दूरी 100 मीटर लेंगे, ठीक। तो और नंबर ऑफ पोल कितने हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं 1000 मीटर है और 100 मीटर पर लगाने हैं, तो 10 पोल हो जाएंगे। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। आप लोग इस जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इसे नोट भी करते जाएं अपने, और इसे एग्ज़ाम में ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो अब देखते हैं जंपसन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी लेते हैं हर बार की तरह, तो आप इसे देख सकते हैं, लाइन 11 मीटर लंबे टेबुलर पुल पर स्थापित की जानी है। टेबुलर पुल आप देखे होंगे, स्टील की जो होती है गोल में, तो उसे हम लोग टेबुलर पोल कहते हैं, इस्पाती नली कहते हैं जिसे हिंदी में। तो वो लेना है 11 मीटर लंबे जो होते हैं वो वाले, ठीक। अब लाइन कंडक्टर साइज जो होगा 6.1 × 2.5 mm, विजल ACSR यूज करने, मतलब उपयोग में लाए जाने हैं। तो ACSR आप लोग देखे होंगे, आप बुक में है ये सब, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे ACSR क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और फॉर लाइन इंसुलेटर यूज करेंगे हम लोग, इंसुलेटर जो यूज करेंगे, पिन इंसुलेटर आप लोग पढ़े होंगे, देखे भी होंगे, और डिक्स इंसुलेटर जो होता है, ये दोनों इंसुलेटर हम लोग यूज करेंगे पोल पे, आप वही ज़्यादातर नॉर्मली यूज भी होते हैं, ठीक। और लाइन के प्रथम और अंतिम पोल दोहरी पोल संरचना के टर्मिनल पोल यूज होंगे। जैसे कि आप देखे होंगे लास्ट पोल में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो वहाँ पर 2 पोल लगाए जाते हैं ना, लेकिन यहाँ भी ट्रांसफार्मर नहीं लगे हैं, फिर भी वहाँ पर हम लोग, या फिर ट्रांसफार्मर तो लगने ही होंगे, क्योंकि मान लीजिए हाई वोल्टेज आता है उसको लो में कन्वर्ट करना होता है, या फिर लो को हाई में, तो नहीं, यहाँ तो सिर्फ हाई को ही लो में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि सर्विस मेन लाइन में 400 वोल्ट ही ज़्यादातर यूज होते हैं, 420 या 440, तो आप इतना ही होगा, तो आप लोग देख लेंगे। और लाइन जो है सीधी रेखा में चलेगी, ठीक। और लाइन के दूसरे इस पे में रोड क्रॉसिंग है, सड़क क्रॉसिंग है, इसे ही हम लोग को मेन यही है हम लोग का है क्वेश्चन में। और लाइन के 8वें स्पेन में भी टेलीफोन क्रॉसिंग है, ठीक। और 1 किमी लाइन में 3 पोल पर अर्थिंग होंगे, जैसे कि मान लीजिए इतने दूर में तीन तीन गैप छोड़कर हम लोग लेंगे, जैसे कि अर्थिंग लगाना ना हर पोल पर, तो हर पोल पर नहीं लगाकर हम लोग कुछ पोल पर ही लगाएंगे, ठीक। और क्रॉस आर्म भी यूज होंगे, MS चैनल जिससे निर्मित होगा, मतलब मेटल स्टील, या फिर देखे होंगे आप चैनल जो उसमें लगा होता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ आगे क्या होता है ये चीज़। तो ये आप लोग लिख लेंगे इतना एग्ज़ाम के लिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार आगे करना है। तो अब देखिए, रोड क्रॉसिंग है, तो आवश्यक सामग्री किस प्रकार निकालेंगे। तो MS चैनल 75 × 40 × 8 mm माप के लेना है, 2.2 मीटर लंबी, ठीक। और ये कितने लेने हैं वो हम लोग मटेरियल कॉस्ट में जो हम लोग देखेंगे, कितने पोल हैं उसके अनुसार हम लोग लेंगे कितने लगने हैं। और नंबर ऑफ बियरर वायर, मतलब जो रोड क्रॉसिंग है तो उसके नीचे हम लोग 2 वायर लगाएंगे ना इस तरह से, तो हम लोग वही इसका बारे में वही जानना है, ताकि मतलब वायर उस पर मान लीजिए टूट जाता है कभी, सर्विस मेन लाइन जो होती है हम लोग की, वो वायर टूट जाता है CSR वाले, तो वो डायरेक्ट रोड पर ना गिरे उस पर, या उससे रुक जाए, इसलिए लगाए जाते हैं, या फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं, ताकि कोई भी मान लीजिए और जो कोई बड़ी वाहन जा रही है सड़क पर, तो उसे बैरियर वायर से ही टकरा कर रह जाए, ऊपर लाइन में ना जाए, ना टच हो, ठीक, इसलिए लगाया जाता है। और आई बोल्ट इसमें 8 लगने हैं, हर एक पोल पर मान लीजिए, हर एक पोल का नहीं, ये 2 पोल का मैंने ले लिया है, यहाँ पर ये 4 ही होगा, तो आई बोल्ट 4 लगने हैं हर पोल पर, ठीक। और लेंथ ऑफ बियरर वायर हम लोग निकालेंगे किस प्रकार, तो देखिए जो बियरर वायर होगा 2 × लेंथ ऑफ स्पेन, मतलब ये जो देखिए जैसे सड़क है, ये इसी में जा रही है सड़क, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक पोल के बीच का ही हम लोग निकालेंगे, तो आ 2 वायर दो लगने भी हैं, बियरर वायर 2, और स्पेन कितना है हम लोग का 100 है, ठीक। आज इसका 2% एक्स्ट्रा लेंगे, 100 × 200 और 2% और, तो प्लस हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 204 मीटर हम लोग लेंगे, ठीक। और नंबर ऑफ क्रॉस लैचिंग, तो इसका फार्मूला होता है स्पेन इंटू
इंटू टू स्पेन माइनस टू इंटू 0.75 ए पॉइंट है 0.75 अपन 3+2, ये हम लोग बुक से लिखे हैं और यही फार्मूला होता है नंबर ऑफ क्रॉस लाइचिंग निकालने के लिए, तो हो जाएगा 34.83 यानी 35 मीटर। तो ये आप सोच रहे हो क्रॉस लाइचिंग क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग ये निकालते हैं 100 मीटर, यहाँ से एक पोल है एक पोल यहाँ है, ठीक ठीक इतना है ना, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ना, इस पर भी तो लगाते हैं एक, आप देखे होंगे यही है क्रॉस लाइचिंग जो इसको दोनों बैरियर वायर को कनेक्ट करता है और इसके बीच की दूरी ए होती है 2 × 0.75, तो इतने गैप छोड़ के इतने इतने दूरी पर लगाने हैं, ठीक ये होता है बीच का और उसके ऊपर हम लोग का वायर रन करेगा, ठीक। तो ये हो जाएंगे ए वाले, इसकी जो माप हम लोग अभी निकाले हैं 35 मीटर, ठीक यही होता है क्रॉस लाइचिंग, लेंथ ऑफ क्रॉस लाइचिंग। नहीं ये देखिए नंबर है, इसके बीच में कितने लगने हैं, मतलब ये जैसे ए काउंट करेंगे 1, 2, 3 ए वाला हम लोग क्रॉस लाइन नंबर है ना, ये लेंथ ए है तो हम लोग लेंथ निकालें 35 होंगे, ये हम लोग लगाने इसमें और 2.5 मीटर के हैं ये, मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक के जो बीच की दूरी है 2.25 मीटर लेंगे, ये हम लोग इसी में वो भी इंक्लूड करेंगे, जैसे कि 2% हम लोग ये जो ले रहे हैं उसको फोल्डिंग करने के मोड़ने के लिए, मतलब यहाँ पर जोड़ने के लिए भी तो चाहिए इससे इससे, तो हम लोग उसका 2% ले लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 80.33 मीटर, ठीक। इसी प्रकार स्टे अरेंज 4 लेंगे, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर जो हम लोग लगाते हैं इस तरह से, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे ये देखिए पोल है और यहाँ पर क्रॉसिंग है, तो यहाँ पर बियरर वायर लग रहा है तो लोड बढ़ जाएगा यहाँ पर ना, तनाव यहाँ पर बढ़ेगा, तो इसको रोकने के लिए हम लोग ये स्टे अरेंजमेंट करेंगे इसके लिए 4, इस पोल पर भी 2 इधर से खींचेगा और 2 इधर से, ताकि ये टाइटली लगा रहे ये तो मतलब झुके ना, यहाँ पर लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये पोल टूटने की संभावना हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर स्टे अरेंजमेंट लगाते हैं 4 लेंगे, मतलब 2 सेट, बुक में सेट ही लिखा होगा तो हम लोग 4 लेते हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक। अब इसी प्रकार देख लेते हैं टेलीफोन लाइन क्रॉसिंग का भी, तो देखिए इसमें भी एंगल वही लगने, 2 मीटर लंबे MS चैनल लेंगे, ठीक। अब 12 × 110 mm साइज का आई बोल्ट लेंगे 8 इसमें, और नंबर ऑफ बियरर वायर 4 है, एकदम सेम है लेंथ ऑफ बियरर वायर। अब इसी प्रकार निकालेंगे तो देखिए 4 × अब देखिए ये जो है बियरर वायर 4 है ना, और आई बोल्ट हम लोग आप लोग अभी तक समझे नहीं है तो मैं एक बार और बता देता हूँ, आई बोल्ट किस तरह से 8 लगेंगे यहाँ पर, वहाँ पर 4 क्यों लग रहे थे, तो देखिए ये जो हम लोग का वायर है यहाँ पर हम लोग 4 भेजेंगे, ठीक। यहाँ एक पोल है और यहाँ एक पोल है, ठीक। इसमें हम लोग नंबर ऑफ बियरर वायर जो है इसे हम लोग बियरर वायर कहते हैं, ठीक ना, तो 1, 2, 3, 4 ले रहे हैं, ठीक। तो आई बोल्ट इसी के अनुसार देखिए यहाँ 4 इधर 4 इधर लगेंगे ना, तो कितने हो जाएंगे 8 होंगे ना, और वहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही ले रहा था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए। और इसके बीच जो हम लोग बियरर वायर लगाएंगे यहाँ पर 2 लगा रहे थे, तो यहाँ पे एक आई बोल्ट एक यहाँ और एक यहाँ एक और यहाँ, वो आई बोल्ट मैं आपको भी दिखा देता हूँ आगे, तो आप समझ सकते हैं कैसे लगाया, ठीक ना। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पर मैंने गलती लिख दिया था, यहाँ पर 4 ही होंगे तो, और यहाँ पर 8 होंगे, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं, और लेंथ ऑफ बियरर वायर इसी प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पर स्पेन हो गया ये और 4 हैं तो 408 है, और 2% एक्स्ट्रा सेज लेंगे, मतलब उसको थोड़ा सा बढ़ा के ही लेते हैं, तो 408 मीटर हो जाएंगे, ठीक। नंबर ऑफ क्रॉस लाइचिंग मतलब अब देखिए इसके बीच के जो है कितने स्पेन जो है कैसे हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कितनी दूरी पर लगेगा, तो हम लोग उसके अनुसार निकालेंगे। तो देखिए स्पेन माइनस 0.61 अपन 1.83+10, तो हम लोग ये निकाल लेंगे 62 आएगा ये नंबर ऑफ क्रॉस लाइचिंग 62, और तो लेंथ ऑफ ऑन क्रॉस लाइच है क्रॉस लाइचिंग है 2.25 मीटर। ये देखिए MS चैनल जो है 2 मीटर का ही हम लोग लिए हैं, मान लीजिए यही है MS चैनल, ये 2 मीटर का हम लोग लिए हैं, और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं नंबर ऑफ क्रॉस लाइचिंग 0.25 मीटर,
तो यहाँ पे तो हम लोग का ये 2 ही है, तो 0.25 हम लोग स्ट्राइस ले लेते हैं कि मतलब यहाँ पर ये मान लीजिए वायर जा रहा है 4, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कनेक्ट भी तो करना होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सबसे कनेक्ट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 0.25 एक्स्ट्रा सब मिलेंगे ताकि उसको यहाँ पर कसने में ईजी हो, ठीक, इसलिए हम लोग लेते हैं। तो अब देखिए 62 लगने हैं, 2.25 मीटर वो उसकी लिए दूरी है यहाँ से यहाँ तक, और 2% इसका भी एक्स्ट्रा लेंगे, वो सेज मतलब लटका रहता है ना वो ठंड गर्मी से बचने के लिए, मतलब कभी मान लीजिए टाइटली बरसात के दिनों आप जानते हैं कि अरे गर्म के दिनों में स्पेन होता है और ठंड के दिनों में वो सिकुड़ता है, तो वो टूट जाए, इसे टूट ना जाए इसलिए तो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। हो जाएगा 142.3 मीटर, ठीक, और स्टे अरेंजमेंट इसका भी 4 लेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर भी तो इसको बांधना होगा ना, 2 पोल हैं, तो इसको यहाँ से हम लोग रोकने के लिए यहाँ से हम लोग लेते हैं, ठीक। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब देखा, मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार है ये, तो आप ये देख सकते हैं, आपको ये दिख रहे होंगे, तो आप ये देखिए यहाँ पर हम लोग 1 मान लीजिए एक पोल हो गया, और इधर 6 नंबर पोल पे, और 11, ये अब आप सोच रहे होंगे 11 पोल क्यों लिए, अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन में लगाने हैं तो हम लोग एक पोल एक्स्ट्रा ही लेंगे, ठीक, 10+1 पोल लेते हैं टोटल। तो ये देखिए यहाँ पर दूसरे स्पेन में हम लोग को क्या लेना है, एक रोड क्रॉसिंग पड़ा है और 8वें में एक टेलीफोन क्रॉसिंग लाइन, तो इस प्रकार हम लोग इसको सिंगल लाइन में दिखाएंगे। और देखिए पहले 6ठे और 11वें पोल पर हमने अर्थिंग भी दे रखा है, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए सिंगल लाइन डायग्राम है, सिंगल 11 के भी सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक। तो अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, ये फिगर आप बना लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर, तो हम लोग मटेरियल कास्ट देखते हैं, ठीक। मैं आपको और अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ, तो देखिए मटेरियल लिस्ट किस प्रकार बनाएंगे हम लोग। तो देखिए MS चैनल जो लेने हैं वो हम लोग 13 लेंगे, 13 क्वांटिटी टेबुलर पोल के लिए, आप याद रखेंगे जो ये पोल मैंने आपको कैसे दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये होता है ना, ये पोल है हम लोग के लगे थे जो पोल, तो उसके भी तो एक एक लगने हैं ना, तो वायर भेजने के लिए, ये वायर के लिए हम लोग ले रहे हैं, ठीक, इसी लगेगा ना, तो ये उसके लिए है यहाँ पर जो ये है, ठीक, 13 लेंगे हम लोग, और 3200 का एक आएगा, तो ये हो जाएगा 41,600 रुपये, ठीक। और इसी प्रकार MS चैनल लेंगे लाइन कंडक्टर के लिए 9, और 275 रुपये का एक है, तो ये हो जाएगा 2475 रुपये, ठीक। MS चैनल लेंगे और जो कि मतलब इसमें देखिए कई टाइप से लगेंगे ना, और जैसे उसमें आप देख सकते हैं, अब पोल आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में कितने एंगल लगे होते हैं, तो उसके लिए है, तो ये 2 लगने हैं, जैसे एक तरह समझ सकते हैं आप, ये हमें लग रहा है वहाँ वाला लिया गया है, ये सड़क वाला, सड़क पर लगने हैं ना 2, तो वो हम लोग ले लेंगे 325 रुपये का एक आएगा, 650 रुपये, ठीक। नहीं नहीं ये दोहरे पोल के लिए, मैंने देखिए कमेंट बहुत ज़रूरी होता है, कमेंट में आप देख सकते हैं दोहरे पोल के लिए, क्योंकि जहाँ सड़क है और वो है टेलीफोन लाइन है वहाँ पर हम लोग एक एक एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक, तो ये वो चीज़ें हैं। और MS चैनल लेंगे 4, ये वाला है, जैसे 2 टेलीफोन लाइन के लिए हो गया है, इसमें टेलीफोन लाइन के लिए और 2 सड़क के लिए, 2 चैनल, ठीक ना, 300 रुपये का एक आएगा, 1200, एक क्रॉस आर्म, या क्रॉस आर्म मैं अभी आपको फिगर दिखा देता हूँ आगे किस प्रकार है, तो आप समझ लीजिएगा, 140 का आएगा और 15.2 मीटर है,
तो 2128 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार क्रॉस आर्म क्लैंप भी लगेंगे 25 पीस लगेंगे और 130 रुपये गए का आएगा 3250 रुपये। ये आप अपने कॉपी पर नोट करते जाएंगे तो मैं आपको एक एक अब बताने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आगे आपको दिखा देता हूँ जो मेन पॉइंट है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर समझ लेंगे। ठीक, तो अभी इसमें और भी हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अर्थ क्लैंप, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो भी लगने हैं इसमें मटेरियल। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुल योग, तो देखिए कितना हो रहा है 1,41,932 रुपये 36 पैसे। ठीक, टोटल मटेरियल का कास्ट हो गया, टोटल अभी तक जितने हम लोग मटेरियल यूज किए हैं मतलब 1 किलोमीटर लाइन में जितने लगने हैं जैसे पोल वगैरह कंडक्टर या फिर जो भी चीज़ें जितने भी हैं पोल स्थापन के लिए हर एक चीज़ का वैल्यू हो गया 1,41,932 रुपये। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अब लागत का आकलन करना है ना, तो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइन इंस्टॉलेशन की लागत का आकलन करना है। ठीक, अब आवश्यक सामग्री का कुल मूल्य कितना था 1,41,932 रुपये। यहाँ पर देखिए मैंने वहाँ पर लिखा था 36, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ 36 पैसे लिखा था, यहाँ पर गलती हो गया तो आप इसे सही कर लेंगे। तो इसका अब हम लोग 10% श्रम मूल्य निकालेंगे मतलब लेबर चार्ज। ठीक, तो ये हो जाएगा 14,193 रुपये, तो ये हो जाएगा टोटल 1,56,126 रुपये। ठीक, अब देखिए इसी में ओवरहेड चार्ज लगेगा ना, ये हो जाएगा इतने का, हम इसका अब हम लोग निकालेंगे सभी चीज़ें चार्ज वगैरह जितने भी निकालना है, तो 11% निकालना इसका, तो हो जाएगा 17,173 रुपये 80 पैसे। ठीक, इसी प्रकार एक्सीडेंटल चार्ज निकालेंगे टूट फूट या फिर कोई मटेरियल ख़राब निकल गया तो उसके लिए हम लोग लेंगे 7,806 रुपये 30 पैसे। इसी प्रकार अब हम लोग महायोग देखेंगे टोटल ग्रैंड, तो 1,56,126 रुपये हम लोग का मूल्य हुआ था और उसमें हम लोग लेबर चार्ज भी ऐड कर लिए थे। ठीक, और अब उसका हम लोग देखो ओवर हेड चार्ज हो गया हम लोग का 17,173 और एक्सीडेंटल चार्ज हो गया 7,806 रुपये, तो टोटल हो जाएगा हम लोग का देखिए 1,81,106 रुपये 10 पैसे। ये हो गया हम लोग का टोटल। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।